दोस्तों मैं लेकर आऊ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जो सर्किल वाला ट्रिक। सर्किल वाला ट्रिक, सर्किल का मतलब ये है आपका सर्किल। सो ये है सर्किल। सो सर्किल को आप कोई भी आंसर आप कैसे निकालोगे, सो देख लीजिए। सो यहां पर बोला है रेडियस आर इक्वल टू 7 एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर, सो एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका रूल। सो इस ट्रिक से आप कोई भी सर्किल का एरिया, पेरीमीटर एंड रेडियस आप निकल सकते हो। सो कैसे निकलोगे, सो इसका रेडियस ये है। सो देख लीजिए, सो क्या बोला है। सो यहां पर बोला है, सो कोई भी ट्रिक आप कैसे निकालोगे। सो देखिए यहां पर R इक्वल टू 21 बोला है। सो आपको क्या निकालना है, एरिया एंड सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। सो सर्कमफेरेंस निकालना है। सो कैसे निकालोगे, सो ये इससे कितना गुना ज्यादा है। सो देखिए 21 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, सो 3 आ जाएगा। सो 3 आ जाएगा, सो 3 गुना ज्यादा है। सो 3 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 44 इंटू 3 इक्वल टू 12 एंड 13। ये है आपका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सो लेकिन एरिया कैसे निकालोगे, सो इससे या 3 गुना कर दीजिए। सो 3 गुना कर लेंगे, सो क्या आएगा, 3 गुना कर लेंगे, सो 12 एंड 15 16 एंड 4 ये आ जाएगा। सो लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है। सो लेकिन रॉन्ग आंसर क्यों है, सो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो इसलिए इसको स्क्वायर कर दीजिए। सो स्क्वायर कर लेंगे, सो 3 को स्क्वायर करेंगे, सो क्या आएगा, 9 आएगा। सो इससे ये गुणा कर दीजिए, सो 36 हाथ में 3 है, 45 एंड 48 एंड 4 13। तो ये है आपका आंसर। सो इस तरह का ट्रिक से आप कोई भी आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेकिन मैं एग्जांपल पर आ रही हूं। सो देख लीजिए यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया है। सो क्या दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल इज द 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड द सर्कमफेरेंस। सो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सो मैं पहले क्या बोला था, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका ऑप्शन। सो देखिए यहां पर क्या बोला था मैंने, गुना कर दीजिए। सो गुना यहां पर एरिया क्या है, सो इससे ये को डिवाइड कर लीजिए। सो क्या आएगा, एरिया इक्वल टू, एरिया से आपको क्या निकालेगा, सो एरिया, सो देखिए सो कितना गुना ज्यादा है इससे ये एरिया। सो कितना गुना, सो 616154। सो इससे या डिवाइड कर लीजिए, सो 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्या इसको स्क्वायर रूट निकाले, सो 14 सेंटीमीटर। सो आप क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आपको निकालना है। सो सर्कमफेरेंस कैसे निकालोगे, सो देखिए 2 गुना ज्यादा है, सो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए यहां पर एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। तो रेडियस इक्वल टू 7, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 44 एंड एरिया इक्वल टू क्या बोला है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए यहां पर बोला है द एरिया ऑफ द सर्कल इज द 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स द रेडियस सर्कमफेरेंस। सो देखिए इससे यह कितना गुना ज्यादा है, सो ये आप डिवाइड कर लीजिए, सो 64 डिवाइड 154, सो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आएगा, 77 आ जाएगा। सो 77 आ जाएगा, सो ये 12 ये 32, सो इससे 11 से डिवाइड कर लीजिए, सो 11 से 7 आएगा, सो 1 आएगा, सो 1 आएगा, सो 2 आएगा। सो इससे यह गुणा कर दीजिए, 16 आएगा। सो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे, सो स्क्वायर रूट निकालोगे, सो क्या आएगा, 4 आएगा। सो 4 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो रेडियस आ जाएगा। सो 7 इक्वल टू 28 है आपका रेडियस, लेकिन आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। सो सर्कमफेरेंस इससे 7
इससे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो सर्कमफेरेंस रिक्वायर्ड 4 इनटू 44, सो 44, सो 16.17 सेंटीमीटर, ये है आपका 16.6 सेंटीमीटर आपका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर मेक 70 डिग्री एंगल आर द सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस इज द 18 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सो सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर बोला है फाइंड करना है एरिया। सो सेक्टर का मतलब एक सर्किल के दो सेक्टर है, एक माइनस सेक्टर छोटी वाला है माइनस सेक्टर और बड़ी वाला है मेजर सेक्टर। सो इसलिए देखिए मैं पहले एक ट्रिक बोला था, 7 आर इक्वल टू 7, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 44 एंड एरिया इक्वल टू 154, ये है आपका ट्रिक। सो इस ट्रिक से आप इसको आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर 18 सेंटीमीटर क्या बोला है, रेडियस बोला है। सो रेडियस कितना गुणा कर रहा है इससे, सो 7 से, यहां पर 7 को डिवाइड कर दो, सो इन लेकिन यह फ्रैक्शन होता है, सो फ्रैक्शन के लिए यहां पर क्या होगा, एरिया निकालना है। सो एरिया इससे यह गुणा कर दीजिए स्क्वायर कर कर, सो 54 इनटू दो बार लिख दीजिए, सो ये दो बार, इसका का मतलब दो बार लिख दीजिए। सो यहाँ पर क्या हुआ है 70 डिग्री, सो 70 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए, सो हाँ पूरा एंगल क्या है 360, सो यहाँ पर 360 यहाँ पर लिख दीजिए, सो इससे यह काट दीजिए, सो 7 से यह काट दीजिए, सो इससे यह काट दीजिए 2 आ जाएगा, इससे यह काट दीजिए 2 आ जाएगा, सॉरी 29, सो 9 आ जाएगा, सो इससे यह काट दीजिए 22 आ जाएगा, सो ये गुना काट दीजिए, सो 18 and 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आपका एरिया। सो दोस्तों मेरे चैनल को आप दोस्तों में पढ़ लीजिए, सो मोस्ट टाइम शेयर कर लीजिए, सो लाइक कर लीजिए, सो कमेंट कर लीजिए, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।